नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी ने थामा भाजपा का हाथ, दिल्ली में बड़े नेताओं की मौजूदगी में ली सदस्यता। कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट पर कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया का बड़ा बयान, घटनाक्रम के पीछे भाजपा की साजिश, सरकार पर संकट नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, मुंबई अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने दिया इस्तीफा। और राजस्थान विधानसभा में हुआ नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा पक्ष विपक्ष में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। हरियाणा की मशहूर डांसर और अदाकारा सपना चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हरियाणवी गानों और बिग बॉस में नजर आई सपना अब राजनीति करती नजर आएंगी। दिल्ली में भाजपा के सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। यूं तो लोकसभा चुनाव के दौरान अटकलें लगाई जा रही थी कि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल होंगी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही सपना लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आई। सपना ने भाजपा नेता मनोज तिवारी के रोड शो में भी हिस्सा लिया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए परिवार की तरह है। तब से यह साफ हो गया था कि सपना भाजपा को ही ज्वाइन करेंगी। सपना के भाजपा में आने से पार्टी को हरियाणा और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों में फायदा मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही जगह सपना के लाखों चाहने वाले हैं। सपना चौधरी के अलावा दिल्ली में डीसीपी रहे एलएन राव भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के इस्तीफे को लेकर जारी अन्य घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ है। यह ऑपरेशन कमल है, यहाँ सब कुछ ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी रहेगी, सरकार पर कोई संकट नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार देवगौड़ा से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि जेडीएस ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई है, हमने भी पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है ताकि इस संकट को सुलझाया जा सके। मुझे पूरा भरोसा है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। देश की रेल प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सरकार की नजर 2030 तक रेल में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। गोयल ने कहा कि पिछले 65 साल में पर्याप्त निवेश नहीं किए जाने से देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे में बमुश्किल 30% की ही वृद्धि हुई है। आम बजट 2019-20 पर अपनी टिप्पणी में गोयल ने कहा कि सरकार की 2030 तक रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना है ताकि इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेलवे प्रणाली बनाया जा सके। इसमें यात्रियों की सुरक्षा, नेटवर्क का विस्तार और माल भाड़ा में हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल है। गोयल ने घोषणा की कि मुंबई से गोवा होते हुए मंगलुरु तक जाने वाले कोंकण रेल निगम के पूरे मार्ग का अगले 1.5 साल में विद्युतीकरण किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के आवासीय इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली में खराब होती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पर आप सरकार का रुख केंद्र सरकार की तरफ नरम नहीं है, लेकिन एक दूसरे को दोष देने से समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है। सरकार पहले चरण में हर विधानसभा में 2000 कैमरे लगवा रही है। इस तरह सभी 70 विधानसभाओं में 1,40,000 कैमरे लगाए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग में अब मात्र 1 हफ्ते का समय बचा है। चंद्रयान 2 को GSLV-M के तृतीय रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाना है। इसके लिए श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर GSLV Mark 3 को स्थापित किया गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7वें दीक्षांत समारोह में कहा कि चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण यान के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिसे लॉन्च पैड पर ले जाया गया।
उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 को 15 जुलाई को लॉन्चिंग के लिए तैयार किया गया है। मिशन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों की जांच 13 जुलाई को की जाएगी। अभी तक सब कुछ हमारी बनाई योजना के अनुसार ही चल रहा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अब मुंबई पार्टी अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही देवड़ा ने सूबे में आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को नेतृत्व देने के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित करने का सुझाव दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि देवड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लोकसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए देवड़ा को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब खुद पर जिम्मेदारी लेते हुए मिलिंद ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर वह चर्चा का विषय बन बैठे हैं। इस बार सांसद साक्षी महाराज ने झारखंड के जमशेदपुर में चोरी के शक में मॉब लिंचिंग का शिकार तबरेज अंसारी के मामले में विवादास्पद बयान दिया है। मीडिया के तबरेज अंसारी के साथ हुई मॉब लिंचिंग पर सवाल करते हुए साक्षी महाराज मीडिया पर भड़क उठे और कहा कि यह मीडिया के लिए दुर्भाग्य की बात है कि तबरेज अंसारी तो याद आता है, लेकिन सैकड़ों हिंदू मार दिए जाते हैं वह याद नहीं आते। साक्षी महाराज ने कहा कि चांदनी चौक में मंदिर तोड़ दिया गया, वहीं छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। बीजेपी सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग केवल तबरेज अंसारी की बात करेंगे। साक्षी ने कहा कि इस हिंदुस्तान में और भी लोग रहते हैं। जेट एयरवेज के बाद अब एयर इंडिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए नए सिरे से विचार करना शुरू कर दिया है। नए प्लान के तहत सरकार एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि इस संबंध में आखिरी फैसला मंत्रियों के एक पैनल की ओर से लिया जाना है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के सचिव अतानु चक्रवर्ती ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि अगर निवेशक कंपनी की पूरी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं तो ठीक है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मैं इसमें सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं देखता हूं। एयरलाइन कंपनी को पिछले साल बेचने की मुहिम नाकाम होने के बाद सरकार इसे बेचने के लिए एक बार फिर सक्रिय हुई है। राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायकों को संसदीय प्रक्रिया एवं कार्य व्यवहार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हम इस सदन में बैठकर जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत करता हूं। उन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है कि उन्होंने हमारे इस सदन का गौरव बढ़ाया है। बलराम जाखड़ भी यहीं से चुनकर लोकसभा अध्यक्ष बने थे। राजस्थान विधानसभा का इतिहास गौरवशाली रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पक्ष विपक्ष में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा के नए वेब पोर्टल और नए मोबाइल ऐप का अनावरण हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दायंगल के साथ। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल। तभी तो नंबर 1 है दायंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।